उमेश धनकर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रयागराज में जो दिन दहाड़े स्वचालित हथियारों से बमों के द्वारा जो आतंकवादियों द्वारा एक तरह से बिल्कुल आतंकवादी अतीक अहमद और उसके गुंडे माफियाओं द्वारा जो उमेश पाल धनगर की हत्या दिन दहाड़े की गई है एवं उसके सुरक्षा गार्ड की, वह बहुत जघन्य हत्याकांड है। हम इस हत्याकांड का रोष करते हैं, इस पर रोष जताते हैं और उमेश पाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हैं। साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, परिवार में पत्नी को राजपत्रित नौकरी मिले, इसकी मांग करते हैं। आज हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए पूरे अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ की पूरी टीम आई। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसके पूरे खानदान को फांसी दी जानी चाहिए। यह मतलब गुंडा माफिया नहीं, आतंकवादी है, उग्रवादी है। और आज से 18 वर्ष पूर्व भी, और इस सरकार की भी इस समय जो है ना, मतलब हमारे जो इंटेलिजेंस है, सब चीज़ें सब के सब बिल्कुल बोने साबित हुए। आप देखिए कि बमों के द्वारा और स्वचालित हथियारों के द्वारा जो 8-10 लोगों ने उनके प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग पर जो गोली दागी है दिन दहाड़े, और जिसमें कि गाड़ियों के नंबर भी बिना नंबर की गाड़ियां भी साथ में थी, मीडिया में सारा खूब चल रहा है। ऐसे इन हथियारों को पकड़ करके चाहे वो अतीक अहमद का बेटा हो, परिवार हो, कोई भी हो, उन सबको फांसी दी जानी चाहिए।